यरूशलम इसराइल की राजधानी और विवादित जगह है। यरूशलम यहूदी, इस्लाम और ईसाई की बेहद पवित्र स्थान है। यहूदियों के अनुसार इसराइल की रक्षा उनके देवता करते हैं और यरूशलम को वह अपनी राजधानी मानते हैं। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल टेंपल माउंट यरूशलम में ही है। मुसलमान अल अक्सा मस्जिद को बेहद पाक मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहीं पर उनके पैगंबर मोहम्मद साहब को जन्नत नसीब हुई थी। ईसाइयों के अनुसार यरूशलम में ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यहाँ के सपुखर चर्च को ईसाई बेहद पवित्र मानते हैं। यरूशलम भूमध्य और मृत सागर से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद ने एक रात में ही मक्का से यरूशलम की यात्रा की थी। ईसाई और इस्लाम की लड़ाई के बीच यरूशलम दूसरे विश्व युद्ध तक फिलिस्तीन के कब्जे में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में यहूदियों को इजराइल के रूप में एक देश मिला। तब से यहूदियों और मुस्लिम बहुल फिलिस्तीन में टकराव जारी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तेल अवीव को इजराइल की राजधानी मानता था और यरूशलम को फिलिस्तीन की। इस पवित्र स्थान को विवादों की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यह इकलौती ऐसी राजधानी है जिस पर 1949 से दो देश अपना दावा जताते हैं। यरूशलम तीन धर्म और दो संस्कृतियों के बीच का टकराव है, जबकि यह ईश्वर का सबसे प्रिय शहर है। यरूशलम का अस्तित्व 3000 ईसा पूर्व से है। यरूशलम पर 2000 साल से जारी है वर्चस्व की लड़ाई। यरूशलम में 158 गिरजाघर और 73 मस्जिद हैं। इजराइल का सबसे बड़ा म्यूजियम यहीं पर है। यरूशलम की सीमा पर ही दुनिया में सबसे अधिक नमक देने वाला मृत सागर स्थित है। यरूशलम इजराइल का सबसे बड़ा और चार प्रमुख शहरों में से एक है। इसके पास से जॉर्डन की सीमा प्रारंभ होती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिब्रू है। तो ये थी सबसे विवादित राजधानी यरूशलम के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।